हे गाइस, दिस इज़ मनीष और आप देख रहे हैं स्टडी प्लैनेट। आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो ग्रेजुएशन के लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट है, चाहे बीए प्रोग्राम हो आपके पास या ऑनर्स हो। तो आपके पास सब्जेक्ट हिस्ट्री अगर सब्जेक्ट है तो उसके अंदर टॉपिक काफ़ी बार देखने को मिलेगा, अबाउट द वैदिक एज। तो टॉपिक का नाम है वैदिक एज, जिसको हम वैदिक कल्चर भी बोल सकते हैं, वैदिक सिविलाइजेशन भी बोल सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग आसान भाषा में पढ़ेंगे कि वैदिक एज के टेन्योर में, मतलब इसके कार्यकाल के दौरान, इसके टाइम पीरियड के अंदर कैसी इसकी पॉलिटी थी, पॉलिटिकल लाइफ के बारे में और कल्चरल लाइफ के बारे में और रिलीजियस लाइफ के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की, जानते हैं कि वैदिक एज होता क्या है। तो जब भी इंडिया के इम्पॉर्टेंट सिविलाइजेशंस की बात आएगी तो वैदिक कल्चर के बारे में, वैदिक सिविलाइजेशन के उसमें ज़रूर शामिल किया जाएगा। सबसे पहले इसके टाइम पीरियड के बारे में जानते हैं कि वैदिक एज बोलते किसको हैं। तो बेसिकली 1500 बीसी से 600 बीसी का जो टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड को हम वैदिक एज के नाम से जानते हैं और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सभ्यता थी भारत की आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द हरप्पा सिविलाइजेशन। तो हरप्पा सभ्यता का अंत होने के बाद जो अगली बड़ी सभ्यता भारत के अंदर, इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अंदर इमर्ज होकर आई, उसको हम वैदिक सिविलाइजेशन बोलते हैं। तो हरप्पा सभ्यता के अंत के बाद इंडियन सबकॉन्टिनेंट के ऊपर आर्यंस ने इन्वेड किया और आर्यंस के आने के बाद से ही इस वैदिक कल्चर की, वैदिक सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई। अब आगे जानते हैं इसका नाम वैदिक एज ही कैसे पड़ा, क्योंकि दरअसल ये जो टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड के अंदर बहुत सारे इम्पॉर्टेंट वेद, पुराण, मनुस्मृति, धर्मशास्त्र को लिखा गया, जो हिंदू रिलीजन के हिसाब से इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट हैं। तो उन सभी को इन्हीं टाइम पीरियड के अंदर लिखा गया था और इसीलिए इस टाइम पीरियड का जो नाम था उसको वैदिक एज या फिर वैदिक सिविलाइजेशन का नाम दे दिया गया। अब बात करते हैं इसके ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन के बारे में कि कौन कौन सा ज्योग्राफिकल रीजन इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अंदर था जहाँ पर ये वैदिक सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आर्यंस के आने के बाद इस सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई, तो आर्यंस जब इंडिया के अंदर, इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अंदर आए थे, तो शुरुआत में वो ईस्टर्न अफगानिस्तान और जो आज के टाइम पे मॉडर्न पाकिस्तान भी है, पंजाब भी है और कुछ वेस्टर्न यूपी का जो पार्ट है, तो कुल मिला के जो नॉर्थ इंडिया वाला रीजन था वहाँ पर इस सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई थी, कि वहीं पर आर्यंस जो है पहले सेटल हुए थे और जिस रीजन को उन्होंने कवर अप कर रखा था उसको लैंड ऑफ सेवन रिवर्स भी बोलते थे। सेवन रिवर्स कौन कौन सी थी, जिसमें एक इंडस थी इंपॉर्टेंट रिवर और उसकी फाइव अलग अलग ट्रिब्यूटरीज रिवर्स थी और उसके साथ साथ एक सरस्वती रिवर भी थी। आगे बात करते हैं वैदिक पॉलिटी के बारे में, मतलब पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वैदिक एज के दौरान किस तरीके का हुआ करता था। तो सबसे पहले जो वैदिक एज का जो पॉलिटिकल लाइफ थी, वो उसके दो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, जन और राजन। इसका मतलब समझ, जन का मतलब पॉपुलेशन, पॉपुलेशन यहाँ पर बात हो रही है किसी भी स्पेसिफिक ट्राइब की, एक जनजाति की, उनके ग्रुप की। और राजन वो हुआ करता था जो उन ट्राइब का चीफ हुआ करता था, मतलब हम उसको ट्राइबल चीफ के तौर पर भी जान सकते हैं। तो अलग अलग ट्राइब्स थी वो जो राज करती थी अपने अपने, राज का मतलब यहाँ पर अपने अपने जो रिलीजियस और सोशल अफेयर्स को मैनेज किया करती थी। मैनेज कौन करता था, एक ट्राइबल चीफ होता था जिसको हम राजन बोलते थे। अब राजन, सबसे पहले इसका मतलब समझिए, राजन कोई एब्सोल्यूट मोनार्क नहीं हुआ करता था। राजन की जो पोस्ट होती थी वो हेरिडिटी भी नहीं होती थी, इसका मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि जो राजा बना हुआ है उसका बेटा ही अगला राजा बनेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं था। अगला राजा कौन बनेगा, इसका जो डिसीज़न होता था वो ट्राइब के लोग खुद ही आपस में मिलकर डिसाइड कर लेते थे कि कौन हम में से ऐसा होगा जो हमें रूल करेगा। तो हेरिडिटरी पोस्ट नहीं थी, यहीं से हमें पता लग जाता है कि जो मोनार्क था उसकी एब्सोल्यूट पावर्स भी नहीं थी। और उसकी मदद कौन करते थे, दो और भी इम्पॉर्टेंट पोस्ट होती थी जो उसको हेल्प करती थी, एक तो पुरोहित जो उसको रिलीजियस मैटर्स में एडवाइस दिया करता था, उसके अलावा उनका सैनिक जिसको हम कमांडर चीफ भी बोल, सेनापति समझ सकते हैं, वो भी उनको काफ़ी ज़्यादा असिस्ट करता था। किस टाइम पर, जब भी कोई बैटलफील्ड के, कोई युद्ध होता था, वॉर होती थी, तो बैटलफील्ड के अंदर उसका कंट्रीब्यूशन काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि राजा की कोई भी रेगुलर आर्मी नहीं हुआ करती थी, इसका मतलब समझिए। इसीलिए मैंने आपको बोला है कि जो राजन का जो कंसेप्ट है ना, वो एब्सोल्यूट मोनार्की नहीं है, वो संपूर्ण तरीके से, कंप्लीट तरीके से राजा नहीं, जैसे कि हम टिपिकली पढ़ते हैं कि एक राजा होता है सभी वही कंट्रोल करता है, उसका जो फैसला होता है वो लास्ट होता है, ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पर पोस्ट भी हेरिडिटरी नहीं है, इनके पास अपनी रेगुलर आर्मी भी नहीं है। तो इनका काम क्या होता था, काम सिंपल सा होता था कि एक तो डे टू डे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना,
रिलीजियस मैटर्स को मैनेज करना, अफेयर्स को मैनेज करना, या कभी किसी से दूसरी ट्राइब से वॉर हो जाए उसको लीड करना, तो ये इनका काम होता था। उसके साथ साथ एक और भी इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट था जो वैदिक पॉलिटी के अंदर था, वो क्या था? वो था द कंसेप्ट ऑफ संघ या काउंसिल्स। बहुत सारे काउंसिल्स और संघ या गण भी बोल सकते हैं इनको हम। ये भी ज़रूरी थी, कैसे? एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से ज़रूरी थी ये। अब ये असेंबलीज क्या होती थी, इसको आप समझिए। असेंबलीज के अंदर मोस्टली सीनियर सिटीजन्स हुआ करते थे किसी भी ट्राइब के। आगे बात करते हैं वैदिक इकोनॉमी के बारे में, तो उनके इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो उनका जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का जो मेन पिलर्स थे वो एग्रीकल्चर और पैस्टोरलिज्म, दो इम्पॉर्टेंट पिलर्स थे। तो खेतीबाड़ी करना और पशुपालन करना इम्पॉर्टेंट जो हैं पिलर्स थे वैदिक इकोनॉमी के बारे में। तो वैदिक इकोनॉमी को संभालते थे। इसके अलावा कॉइन्स का भी इस्तेमाल किया जाता था वैदिक इकोनॉमी के अंदर। और उसके अलावा हम लोग देखें तो जो है वहाँ पर ट्रेड भी काफ़ी अच्छा खासा था वैदिक सिविलाइजेशन के अंदर। वो बेबीलोन और सुमेरियंस जो कि दूसरे किंगडम और सिविलाइजेशन थी उनके साथ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी किया करते थे। और हम बात करें इसकी इकोनॉमी की, तो इंडस्ट्रियल वर्क भी होता था, जैसे कि मेटल वर्क हो गया, पॉटरी हो गया, कारपेंट्री हो गया, तो ये भी आ चुका था। हालांकि ये चीज़ें जो है हड़प्पा सभ्यता के अंदर भी इनकी शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन ये जो सिविलाइजेशन थी वैदिक वाली, इनके ब्लैकस्मिथ्स, गोल्डस्मिथ, कारपेंट्री जो थी हड़प्पन के कंपैरेटिवली काफ़ी सुपीरियर और टेक्निकली काफ़ी ज़्यादा एडवांस थी। आगे बात करते हैं वैदिक रिलीजन की। उससे पहले आपको बता देते हैं कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें आपको पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री से रिलेटेड काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली मिल जाएगी। तो आप जिस भी क्लास में, जिस भी सेमेस्टर में हैं, आप चैनल पे सब्सक्राइब करके उसकी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, जिसमें आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली बहुत सारी वीडियोस आसान भाषा में मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आप लोग हमारे पेड नोट्स या पेड क्लासेस चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं। बात करते हैं वैदिक रिलीजन की। वैदिक रिलीजन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था। वैदिक रिलीजन के बारे में सबसे खास बात आपको बताते हैं कि पहले वैदिक सिविलाइजेशन के अंदर ना तो कोई ज़्यादा एविडेंसेस मंदिर के मिले हैं और ना ही आइडल वर्शिप की, मतलब मूर्ति पूजन नहीं की जाती थी। क्या इसका मतलब ये कि देवी देवता नहीं थे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देवी देवताओं की पूजा ज़रूर होती थी, लेकिन मोस्टली जो उनकी पूजा होती थी वो एक सिम्बलिक फॉर्म में होती थी रेदर देन द आइडल वर्शिप। तो मूर्ति पूजा ना होकर सिंबलिक फॉर्म में उनकी पूजा की जाती थी। उसके अलावा नेचर और नेचुरल फोर्सेस की भी पूजा की जाती थी। आपको बताते हैं जैसे कि नेचर और नेचुरल फोर्सेस के बारे में, विंड हो गया, रेन हो गया, थंडर हो गया, अर्थ हो गया, फायर हो गया, इनकी पूजा की जाती थी। और यही उनके जो है डाइटीज थी, देवी देवता थे, जैसे इंद्र, थंडर, और उसके अलावा काफ़ी इंपॉर्टेंट डाइटी थी जो है इंद्र इनकी। उसके अलावा और भी डाइटीज थी, पृथ्वी, अग्नि, वरुण, वायु, तो ये सारे जो हैं इम्पॉर्टेंट डाइटीज़ थे, इनकी पूजा पाठ की जाती थी। इसीलिए मैंने आपको बोला कि जो रिलीजन था पहले, उनकी जो पूजा की जाती थी वो सिंबलिक फॉर्म में और नेचुरल फोर्सेस की ज़्यादा पूजा होती थी। लास्ट में बात कर लेते हैं वैदिक सोसाइटी की, या फिर हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि विमेंस का क्या पर्सपेक्टिव था, क्या व्यूज़ था वैदिक एज के अंदर। तो उसको समझते हैं। सबसे पहले समझिए कि जो सोसाइटीज़ हुआ करती थी वैदिक टाइम पे, जो फैमिलीज़ हुआ करती थी, वो पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, मतलब पैतृक समाज थी, हम बोल सकते हैं मेल डोमिनेंट सोसाइटी थी। लेकिन वैदिक एज के टाइम पर विमेंस को भी काफ़ी रेस्पेक्टेबल पोजीशन दी गई थी। एग्जांपल के तौर पर विमेंस को बहुत सारे राइट्स भी प्रोवाइड कर रखे थे, इक्वल राइट्स थे एज़ कम्पेयर टू मैन। और उसके अलावा एग्जांपल भी है कि जैसे विमेंस जो है, मैंने आपको बताया था वैदिक पॉलिटी के अंदर जो सभा होती थी, समिति होती थी, या जो असेंबलीज होती थी, उसके अंदर भी विमेंस पार्टिसिपेट कर सकती थी। और उसके अलावा वैदिक सोशल लाइफ के बारे में हम लोग पढ़ें तो विमेंस की हालत और बेहतर इसलिए भी थी क्योंकि उस वक्त जो है चाइल्ड मैरिज भी नहीं हुआ करती थी, और कुछ कुछ इंसिडेंसेस हमें विडो रिमैरिज के भी मिलते हैं, लेकिन सब कुछ इतना बेहतर नहीं था। कुछ सोशल इविल, सामाजिक बुराइयाँ भी थी वैदिक एज के अंदर विमेंस के खिलाफ, जैसे कि सती प्रथा बहुत कॉमन थी, बहुत प्रेविलेंट थी, डाउरी सिस्टम काफ़ी ज़्यादा प्रेविलेंट थी, तो काफ़ी सारे जो है ड्रॉबैक्स भी थे, सोशल इविल्स भी थे विमेंस को लेके समाज के अंदर ड्यूरिंग द वैदिक सोसाइटी। तो ये सारा हमने वैदिक पॉलिटी, उसके कल्चर, रिलीजन और सोशल लाइफ के बारे में पढ़ा आसान भाषा में। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, और ऐसे ही आसान भाषा में वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।